हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो पार्ट 2 में देखिए बोल रहा है आपको, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए आपको 5 पेंसिल और 7 पेन्स के कॉस्ट दिए हुए हैं और दूसरे केस में 7 पेंसिल और 5 पेन के कॉस्ट दिए हुए हैं। तो हमें ईच पेंसिल और ईच पेन के कॉस्ट फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे कि गिवन इक्वेशंस को हम पहले इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और उस इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो देखिए जब हम प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइंस जब जो मिलेंगे हमें वो जहां पर इंटरसेक्ट होगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सॉल्यूशन होगा इन इक्वेशंस का। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, पहले हम रिज्यूम कर लेते हैं पर यूनिट जो प्राइस है। लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड पेन, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच पेन बी रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई रेस्पेक्टिवली, रुपीज वाई रेस्पेक्टिवली। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल्स, तो 5 पेंसिल्स के कॉस्ट हो जाएंगे 5x प्लस 7 पेन, तो 7y इज इक्वल टू रुपीज को हटा ही देते हैं अभी, यहाँ कितनी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू बस नोट डाउन करते हैं 50। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड में क्या बोल रहा है, देखिए 7 पेंसिल एंड 5 पेंस मीन 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर जब हम किसी लाइन को प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होती है। तो दोनों इक्वेशंस के लिए और दोनों लाइंस के लिए हम दो पहले पॉइंट फाइंड करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे, चलिए, टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली वी फाइंड टू पॉइंट्स ऑन ईच लाइन, we find two points on each line representing each equation ठीक है, each equation। और उसके बाद क्या करेंगे, जब पॉइंट मिल जाएगा तो प्लॉट कर देंगे हम ग्राफ के ऊपर एंड प्लॉट दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं, अब देखिए पहले पॉइंट हमें फाइंड करना है, से थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं। इक्वेशंस देख लीजिए, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। चलिए तो दो टेबल बना लेंगे पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो एक तो पहले x ले लेंगे, दूसरा y को x के टर्म में हम नोट डाउन कर देते हैं, 50 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5, 50 माइनस
अच्छा इक्वेशन क्या था, 5x + 7y, ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 50 - 5x / 7, ठीक है, ये पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। ये हमने y को x के टर्म में लिख लिया। अब देखिए जब x हमारा 10 होता है, x अगर 10 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा, x अगर 3 है हमारा तो y हो जाएगा 5, ठीक। ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लाइन पे दो पॉइंट्स। अब फिर हम सेकंड लाइन के भी दो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं पहले। चलिए यहां भी वैसे ही करेंगे, y को x के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और दो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। x y इक्वल टू 46 - 7x / 5, ठीक है। यहाँ देखिए x अगर 3 है तो y हमारे 5 हो गई, और x अगर 8 है तो y -2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इन दो चारों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर पर प्लॉट कीजिएगा, यहाँ पर हम रफ स्केच बस प्लॉट कर देते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये y एक्सिस हो गई हमारी सॉरी, ये y एक्सिस इधर x एक्सिस, x एंड y, ठीक है। ये ओरिजिन हो गई, इधर y y डैश x, सॉरी x में हमें कितना चाहिए, अच्छा y में चाहिए अप टू x एंड x डैश, तो y एंड y डैश चाहिए, तो यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं y को, ठीक है। चलिए ओरिजिन हो गई, अब x अगर देखेंगे तो x की वैल्यू मैक्सिमम जो हमने कैलकुलेट किया 10 तक लेते हैं, तो 10, 2, 4, 6, 8, 10 and 12, ठीक है। और y की वैल्यू जो वेरी कर रही है आपको -2 से लेकर 5 तक, तो इधर आपको -2 ले लीजिए, -2 यहाँ -3 हो जाएगी, इधर -1 ले लीजिए, और अप टू 5 तक वेरी कर रही है, तो इधर भी हम 10 का ही ले लेते हैं आपका 2, 4, 6 and 8, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका 10 0 है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, पता चलेगा 10 0 तो एक पॉइंट ये आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 3 और 5, तो x जब 3 होगी तो y अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम प्लॉट ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और दोनों साइड एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, स्ट्रेट आपका स्केल को यूज करके, तो आपका पॉइंट ये हो गई बी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3, 5 और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो है 10, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हम और एक पॉइंट ले लेते हैं आपका 3, 5, इसमें भी आपका 3, 5, तो बी कॉमन है आपका, और दूसरा पॉइंट है 8 and -2, तो जब 8 होगी तो y हमारी -2 समवेयर यहां पर आएगी, ठीक है, तो इसे ज्वाइन करनी है, चलिए ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही आएगी, स्केल से कीजिए अगर स्ट्रेट आएगा एकदम, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया
5x plus 7y, ये वाली इक्वेशन थी 5x plus 7y equal to 50, और सेकेंड इक्वेशन जो हमारी ये लाइन है, ये है आपको 7x plus 5y, 7x plus 5y equal to 46, ठीक है, और दूसरी पॉइंट जो है हमारी 8 और minus 2, ये C पॉइंट ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट है 8 एंड माइनस 2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था, सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या होता है कि दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और जब दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वही उसके सॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका पॉइंट बी कॉमन है, ठीक है, थोड़ा इसे ऊपर मूव कर लेते हैं, उसके बाद नोट डाउन करेंगे। पॉइंट बी 3,5 इज कॉमन टू बोथ लाइंस, इज कॉमन टू बोथ लाइंस ए बी, ए बी एंड बी सी, ठीक है। सो The solution of pair of equations, solution of the pair of equations is x equal to 3 and y equal to 5. ठीक है, हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, ये जो आएगा x equal to 3 and y equal to 5. Hence cost of each pencil is rupees 3 and cost of each pen is rupees 5. ठीक है, हमें cost of each pencil and each pen ही find करने थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।